अरे यहाँ का मत मारिए आराम से। आज चुनाव है और सब लोग जान रहे हैं मेयर डिप्टी मेयर और वार्ड सदस्य का जो है चयन आज करना है लोगों को, और क्योंकि मेरा पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम है तो आज मतदान था, तो आज का अपना प्रयोग हम लोगों ने किया है। पटना को ज़्यादा सुंदर हम लोग बनाए, साफ सुथरा बनाए, इसलिए अच्छी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो इसलिए हम लोगों ने मत डाला। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आम लोगों से लेकर के खास लोग तक मतदान करने पहुंचते हैं, और आज पटना में नगर निकाय का जो चुनाव है वो हो रहा है, यानी मेयर और उप मेयर के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, हालांकि मौसम है वो सर्द है लेकिन जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। लोग अपने अपने घरों से निकल कर मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में वेटनरी कॉलेज के बूथ नंबर 24 पर, यानी वार्ड नंबर 4 जहां पर आदर्श बूथ बनाया गया है, वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव जो मौजूदा वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री है वो पहुंचे। उनके साथ साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी वहां पहुंचे और वेटनरी कॉलेज में उन्होंने वोट डाला। हालांकि उनका जो इलाका आता है, जो मुख्यमंत्री का इलाका है और जहां तेजस्वी यादव निवास करते हैं, राबड़ी देवी का जो 10 सर्कुलर रोड आवास है वो वेटनरी कॉलेज के इलाके में आता है और वहीं पोलिंग बूथ है जहां वो वोट डालते हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत ने कई ऐसे चुनाव है जहां वोट डाला जब तेजस्वी यादव मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आज जो महापौर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, जो चुनने की प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुंदर पटना, खूबसूरत पटना, अपना पटना, स्वच्छ पटना, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि हम इसके लिए मेयर का चुनाव कर रहे हैं ताकि पटना और ज़्यादा खूबसूरत हो सके, राजधानी और ज़्यादा खूबसूरत हो सके, साफ सफाई के साथ साथ कई ऐसी बातें कही कि डेवलपमेंट भी हो। और इन सारी चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव ने बातें कही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि लोग अब धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं, और इस दौरान आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह से मतदान केंद्र पर जो कर्मी हैं, जो वोट डलवाने के लिए आए हुए हैं, यानी लोगों को जो बता रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेते नजर आए हैं। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो वहां पर जो प्रक्रिया है, नाम वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया, उसके बाद जब आगे बढ़े तो वहां पर एक शख्स है जो तेजस्वी यादव के साथ, वो कर्मी है जो मतदान की जो ड्यूटी है उसमें लगे हुए हैं और वो तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इससे पहले भी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है और तेजस्वी यादव अभी अभी वेटनरी कॉलेज में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अरे यहां का मत मारिए आराम से। आज चुनाव है और सब लोग जान रहे हैं मेयर डिप्टी मेयर और वार्ड सदस्य का जो है चयन आज करना है लोगों को, और क्योंकि मेरा पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम है तो आज मतदान था, तो आज का अपना प्रयोग हम लोगों ने किया है। पटना को ज़्यादा सुंदर हम लोग बनाए, साफ सुथरा बनाए, इसलिए अच्छी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो इसलिए हम लोगों ने मत डाला। चलिए।